नहीं चलेगी, पांच साल हो गए। मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी सरकार ने कितनी यहाँ पे रोजगार पैदा किए। आज मंदिरों के शहर को वंशा माफिया का शहर बना दिया, आज मंदिरों के शहर को माइनिंग माफिया का शहर बना दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे इतने बड़े बड़े गड्ढे जो है यहाँ पे आप देखने को मिलते हैं। जब भी बरसात आती है और दूर क्या जाना, यहाँ प्रेस क्लब के बाहर ही इतना पानी जो इकट्ठा हो जाता है। आज गांव के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम पे इतने बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं और काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, आज काला दिवस जो है हम मना रहे हैं जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से। गुलाम नबी आजाद साहब के निर्देश के अनुसार यहाँ पे हमारी पार्टी जो है सेट उड़ की डिमांड कर रही है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले हमारी जो विरासत है, हमारी जो स्टेट है, हमारे राज्य का दर्जा जो बहाल किया जाए। आप समझ सकते हैं कि आज जब बताया गया अमित शाह जी द्वारा कि 370 टूटने के बाद आतंकवाद का खात्मा होगा, आज मैं आपसे पूछता हूं, आज एक एक बच्चा जम्मू कश्मीर का अमित शाह जी से पूछता है कौन सा आतंकवाद खत्म हुआ। यहां उल्टा आतंकवाद बढ़ गया। जहां हम कश्मीर की बात करते थे, आज जम्मू के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद आ गया है। इसलिए स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द वापस नहीं चलेगी। राज्य का दर्जा वापस करो।